हेलो फ्रेंड्स, आज का मुकाबला आईपीएल में राजस्थान और हैदराबाद के बीच में है और इस वक्त जो है हैदराबाद बैटिंग कर रही है और 7.1 ओवर में 82 रन बना चुके हैं 3 विकेट पर। और हैदराबाद और राजस्थान की जो जबरदस्त टीम है, ये सेमीफाइनल मैच है गजब। अभी जो है पिछले मैच में जो है यही मैच राजस्थान और किसके ग्वालियर के बीच में हुआ था, किसके बीच में हुआ और कल परसों किसके साथ हुआ था जो ना आज तो है वो विराट कोहली वाला, कौन सा हारा था विराट कोहली वाला। आज जो है राजस्थान और हैदराबाद के बीच में जबरदस्त फाइटिंग है, करो या मरो की स्थिति में है। अगर जो जीतेगी वो जो है कलकत्ता के मैच में 26 तारीख को फाइनल खेलेगी। बहुत जबरदस्त मैच है इस वक्त 20 का हो। इस वक्त दोनों टीमें जो है जबरदस्त अपने अपने दम दिखा रही हैं। ये दम देखो ये कहाँ मोड़ ले जाता है। इस वक्त जो है बहुत तेज मार दिया सिक्स, ओहो बहुत जबरदस्त सिक्स। हैदराबाद का बैटिंग में बहुत जबरदस्त सिक्स लगा है ये। ऐसे ही मारे होते तब क्या था भाई, हैदराबाद तो उसे भी अब फाइनल समझिए। हैदराबाद हमें लग रहा है फाइनल ले जाएगी। बहुत अच्छे 90 रन बन चुके हैं 3 विकेट, 7-8 ओवर भी नहीं कंप्लीट हुए। बहुत अच्छी बैटिंग, क्या गजब की बैटिंग है। हमें लग रहा है फाइनल निकाल ले जाएगी हैदराबाद जहाँ तक मुझे मालूम है। और राजस्थान कल तो ग्वालियर के साथ कौन से है किससे साथ था ये तो मुझे मालूम है। कल परसों किसके साथ था आर नहीं हम समझते हैं, आर तो राजस्थान हो गई बंगलोर। हाँ परसों कौन सी तारीख को बंगलोर, हाँ बेंगलोर जो है 22 तारीख को जो मैच हुआ था उसमें जो है विराट कोहली और बेंगलोर के साथ थे। और इस वक्त जो है राजस्थान के मैच में जो है काफ़ी मौज जबरदस्त हुई थी मैच, जिसमें विराट कोहली की जो है टीम हार गई थी। बहुत विराट कोहली से जैसे आउट हुए धड़ाधड़ विकेट गिर गए, उसमें दिक्कत आ गई, नहीं तो करीब करीब विराट कोहली की टीम जीत जाती और मैच कहीं आज जो है विराट कोहली सेमीफाइनल खेलते। बहुत अब विराट कोहली ने कोशिश तो की है, बाकी अब जो आगे के जो बैट्समैन जल्दी जल्दी आउट होने पे और इन लोगों की जो शुरुआत हुई उसमें विकेट नहीं मिले, इस थोड़ी सी दिक्कत ये हो गई राजस्थान पे। इसलिए जो है आज जो है राजस्थान और आज राजस्थान और हैदराबाद के बीच में मुकाबला है। अब हैदराबाद आज जो है लग रही है सेमीफाइनल लग रही है, अच्छे इसको तो इसको फाइटिंग में है और अच्छे रन बना चुकी है, इसलिए हमें लग रहा है जीत जाएगी आज तो हैदराबाद। ना भी जीते कोई ज़रूरी नहीं है, फिर भी हमें अनुमान लग रहा है अपने तरफ से सेमीफाइनल मरो या मारो की स्थिति में है। आज तो समझिए कि लास्ट है सेमीफाइनल का। अब देखते हैं हेडन खेल रहे हैं 31 रन पे और क्लासेन खेल रहे हैं 10 रन बना के, 5 गेंदों पर 10 रन, 21 गेंदों पर 31 रन, 11.27 का रन रेट। ओहो जबरदस्त, ओह तब तो जीत जाएगी लगभग। 8.1 ओवर में 92 रन बना चुकी है। ओह उड़ा दिया, नहीं आउट नहीं होंगे जहाँ तक है, कोई बात नहीं आउट नहीं है और रिव्यू ले सकते हैं, बाकी नहीं पीछे से अभी बैट में आई नहीं और आउट का इशारा जैसे आउट नहीं था, नहीं कोई कोई नुकसान नहीं भाई। अभी जो है जबरदस्त मैटिंग 8.2 ओवर में 92। अब अगली गेंद खेल दिया फिर तेज से वहाँ पे सीधे बाउंड्री के बाउंड्री पर लगी हुई टीम ने पकड़ लिया, एक रन मिल जाएंगे 93 पर पहुँच गए। अब क्लासेन खेल रहे हैं 10 रन 5 गेंदों पर, अब 32 पर पहुँच गए हैं हेड। अब देखते हैं क्या कमाल दिखाते, क्या थोड़ा सा बचा था। ओहो बहुत थोड़ा सा था, ये लगी नहीं थी बैट पे उस पर आधे स्टंप में लगने बस थोड़ा सा रह गया था। ओहो सब चक्के रह गए थे इसमें। बहुत जबरदस्त इस वक्त मुकाबला, बड़ा जबरदस्त है भैया समझने में। अगर इसको कोई देखा नहीं तो समझो बहुत कुछ जो है खो देगा भैया। इस वक्त जो है बहुत जबरदस्त मैच है हैदराबाद और राजस्थान के बीच में हेड एंड इस वक्त जमे हुए हैं। दन अदन छक्के चौके मारे जा रहे हैं,
पिछले में भी छक्के मारे हैं, अब देखें इस बात में ओवर में मारा नहीं, चार रन जाएंगे वहाँ पे फील्डर मौजूद होगा पक्का है, एक रन तो मिलेंगे। अब जो मारते हैं उड़ा के ही मारते हैं, 33 रन पे पहुँच गए, 33 से हेड पहुँच गए और क्लासेन खेल रहे हैं 6 गेंदों पे 11 रन। अब देखना है 95 रन का स्कोर हो गया 3 विकेट पे, 8.5 और 9 का, अब 9 ओवर कंप्लीट है, लास्ट की बॉल है इस ओवर की, और उड़ा दिया नहीं, धीरे से पुश किया और वहीं पे खेल के जो है क्लासेन ने 12 रन कंप्लीट कर लिया 7 गेंदों पर, ओवर भी हो गए, इन्हीं को क्लासेन को फिर ओवर मिलेगा, एक रन बना के लास्ट ओवर की लास्ट गेंद थी ओवर की, इसलिए जो है फिर उन्हीं को खेलने को मिलेगा। अब देखते हैं क्लासेन फिर क्या करते हैं, हेडन को अभी नहीं मिलेगी इस टाइप, हेडन को अगर ये केवल उड़ाते हैं छक्के पे छक्का चौके पे छक्का, हेडन का बहुत ज़बरदस्त बैटिंग होती है, लंबे कद के बैट्समैन है और हेल्दी भी है, उड़ाते हैं तो बैट हेड हमें लग रहा है कि ये बहुत छोटा पड़ जा रहा है, उनको बड़ा बैट दीजिए जिससे जो है उनके हेड को बराबर कर सके, क्योंकि ऐसा बनाना पड़ेगा भाई, उन सबकी साइज एक ही होती जहाँ तक है, उनके लिए स्पेशल तो होती नहीं है, अब आते होंगे कुछ ना कुछ तो होता होगा भाई, हाँ कि छोटे साइज के भी होते होंगे, हाँ अब अगले आप देखें क्लासेन क्या करते हैं, क्या कमाल करते हैं, इस वक्त जो है मरो या मारो की स्थिति में है, सेमीफाइनल का लास्ट सेमीफाइनल है, अब 26 तारीख को जो जीतेगा वो जो है कलकत्ते के साथ खेलेगा मैच, आप उस वक्त जो है फाइनल जो जीतेगा वही विनर हो कहलाएगा। 96 रन बन गए 3 विकेट खो के 9 ओवर में, और ये खेल दिया एक रन के लिए, एक रन अवश्य मिलेंगे, अब क्लासेन हेड के पास स्ट्राइक हो गई, गजब 33 रन पहुंच गए, 33 रन पे हेड खेल रहे हैं और क्लासेन जो है 13 रन पे, 10.58 का रन रेट हो गया, पुराना जो है 10 कभी 11.5 था, अब 10.5 से ऊपर चल रहे हैं, संदीप की बॉलिंग चल रही है, एक अभी पहली गेंद पे एक रन दिए हैं इन्होंने, अभी 1.1 ओवर में 11 रन दिए, मतलब 6-7 रनों पे 11 रन हुए, कोई विकेट नहीं मिला संदीप को, ये दूसरा ओवर उनका चल रहा है, अब देखते हैं संदीप क्या कमाल दिखाते हैं, अब विकेट मिलता है कि नहीं मिलता है, कि रन देते हैं कि नहीं देते हैं, ये तो अब खेलने के बाद मार दिया, ओहो जब भी देखो तो 60 गजब की चलती है भाई उनकी गेंद, बैट से निकलती है तो धुनाधुन बैट में स्टोक लेके चलती है, अब जो 34 पे पहुंच गया हेडन और क्लासेन पहुँच, अब क्लासेन की स्ट्राइक है और रन रेट एक एक करके घटता ही जा रहा है रन रेट, क्योंकि वो जो है 11.5 से फिर एक एक रन लेंगे तो रन रेट तो घटता ही चला जाएगा। 98 का स्कोर हो गया, अभी भी 10 ओवर के करीब, ये अभी 4 गेंद बाकी है, हमें लग रहा 100 के ऊपर चला जाएगा। क्लासेन को भी स्ट्राइक मार दिया, उठा के देखो वहाँ पर एक भी रन नहीं मिलेंगे, कोई रन नहीं, 13 रन पे खेल रहे 8 गेंदों के साथ क्लासेन, अब देखते हैं ये क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, ये इनके ऊपर है, अबे भैया मारो आरो कुछ भी करो, रन रेट जो है 10 पे अब 32 पे हो गया भाई, कहाँ 10.5 11.5 के 12 के करीब में पहुँचे थे तो अब जो है 10.5 पे हो गया, अभी इसको उड़ाओ कसके भाई, अब देखो क्या करते हैं, 10.3 10 से भी कम 10.5 से भी कम भैया उड़ा दिया, अब जो है लगेगा जा नहीं लगेगा, वहाँ पर फील्डर मौजूद हो गया, बैट अभी जो है आराम से खेल रहे हैं, अब देखें क्या करते हैं, हेड ही मारेंगे, उन्हीं पास जोश है इस वक्त, और आउट हो चाहे कोई, पार्टनरशिप 28 गेंदों पर 42 रन की पार्टनरशिप हो गई है हेडन और क्लासेन की, संदीप अभी जो है 4 गेंद फेंक चुके हैं 3 रन दिए हैं, बहुत अच्छा भी इनका बॉलिंग है, अभी इनका बॉलिंग में ज़बरदस्त हासिल कर चुके हैं, विकेट भले नहीं मिले रन भी नहीं दिए हैं अपने हिसाब से, कोई खास रन नहीं है, 20 उड़ा दिया, मैं लगी नहीं बैट पे सीधे विकेट कीपर के हाथ में, अगर लगी होती तो अगर तो सीधे आउट होते भाई, लगी कहाँ, लगी होती तो सीधे छक्का भी जा सकता था, प्रोजेक्ट स्कोर दिखा रहे 201 रन बाकी और जाएगा भैया, अभी तो विकेट 3 है और अभी भी कंप्लीट जो है अब कंप्लीट हो जाएगा, अभी भी एक गेंद लास्ट गेंद चलेगा, अब जो है 100 करीब हो जाएंगे, हैं पूरा ओवर 10 ओवर में 100 रन बना लेंगे, जहाँ तक अगर नहीं लगेगी तो कोई दिक्कत नहीं, 99 रन तो है ये स्कोर, या देखिए अगली गेंद पे क्या करते क्या नहीं करते, उड़ा दिया है यहाँ पे, देखो कैच हो गए, ओ चौथा विकेट गिर गया हेडन का, हेडन आउट हो गए, ओ भाई सबसे अच्छा विकेट चला गया, चौथा विकेट हेडन का, गेंद उछाल दिया वहीं पर ही, क्या बताएं, बहुत बुरा हाल,
बहुत कीमती विकेट चला गया हेड का भाई, क्लासेन इस वक्त जो है जमे हुए हैं। बाकी ये देखो बहुत कीमती विकेट सीधे जो है, बहुत कैसे खेले हैं भैया, पीछे मारना तो सही था बाकी अब वहाँ पे विकेट ही लग गई तो क्या किया जाए। बहुत बढ़िया खेल रहे थे हेडन के, बाकी वो जो है वहाँ पे 34 रन खेले 28 गेंदों पर, 34 रन बना के आउट हो गए, कैच आउट, और संदीप को विकेट मिल गया, बहुत कम रन दिए और विकेट भी मिल गया, बहुत अच्छा ओवर इनका रहा। अमिताभ बच्चन आ गए हैं भैया, ये महानायक है पिक्चर के, सबसे अच्छे फैमिली इनके सभी, अभिषेक बच्चन, ऐश्वर्या राय बच्चन, और इस सब फैमिली में फेमस है भैया, बहुत ज़बरदस्त इनका बेस्ट ऑफ, मतलब कि कुछ भी कहिए, संस्कारिक बच्चे हैं सभी भाई, इनका पूरा परिवार। अब मुझे तो जितना तारीफ करें उतना ही कम है, अमिताभ बच्चन हैं अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं। एक वो फैमिली होती है जो सामने ठीक नहीं लगती है जो कि, और एक फैमिली वो होती है कि संस्कारिक होते हैं, वो सब गुण में अभिषेक बच्चन में दिखाई देते हैं, ये उनके माँ बाप का वो है, वो है क्या बोलते सर, नज़रिया है रखने का वो है, तब जो है आज जो है बच्चे जो है संस्कारिक होते हैं। मुझे तो जो है देखने में बड़ा इनको जो है देखने में अच्छा लगता है। अगला मैं अब देखने वाले जो है इस पर क्या करते क्या नहीं करते हैं। अगली गेंद खेल 99 पे, अभी एक खेल दिया एक रन के लिए, वहाँ पे नहीं मिलेगा। नीतीश आए हैं भैया, अभी इन्होंने अभी खाता नहीं खोला है, स्ट्राइक पे क्लासेन है, 11 रन पे 14 रन बनाए हैं नीतीश, अभी आए हैं, अभी कोई इनको गेंद नहीं मिली और ना खाता खोले हैं। अब देखो नीतीश ने 10 इनिंग खेली है, 285 रन बना चुके हैं, 250 मार चुके हैं नीतीश। आप देखो ये आके क्या करते हैं, 50 मारते हैं कि नहीं मारते हैं, उड़ा दिया, ये पक्का है नहीं जाएगी, वहाँ पे है विकेट है, और धीमी गति से गेंद आ रही है। अब ओहो दो रन तो नहीं मिला शायद, अगर 101 हो, हाँ दो रन मिल गए, 101 रन दो रन इस ओवर का, बहुत सही। ओहो कैच आउट जो हुआ वही दिखा रहा है सीधे, क्या बात है। ओहो हैदराबाद का विकेट गिरना, राजस्थान रॉयल का एकदम खुशहाली का हुआ है, अगर उनको विकेट गिराने का मतलब है जीत का कुछ अंश जो है इनको मिलेगा, जीत के दहलीज नहीं कहेंगे तो शुरुआत तो हो गई है जीत में। अब 4 विकेट पे 101 रन बन गए हैं और अच्छा है, 9.7 का रन रेट में जो चल रहा है, उड़ा दिया भैया, ये बहुत स्लो हो रहे हैं मैच, बहुत 9.77 का है, 200 का रन रेट पहुँचेगा ये तो, ऐसे करेंगे तो नहीं तो, अभी ये 250 का जाना चाहिए था अभी ये। अब देखते हैं क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, बहुत बुरा हाल है इस पर, एक विकेट गिर जाने पे हेड का वो थोड़ा सा दबाव में आ गई है, अब ये कौन खोल के खेलता है ये देखना होगा भाई। देखो कैच कैसे दम में पकड़ लिया है वहाँ पर, गजब, बहुत हेडन का कैच बार बार दिखा रहा है, ओहो हेड का जो है बार बार दिखा, ऐसा कैच पकड़ा है कि जो है कभी ऐसा हो नहीं सकता, बच गए। ओहो ड्राइव मारा था कैच का बाकी वहाँ पे बच गए नीतीश, कोई रन नहीं, बहुत करीब का मामला था, बच गए। चाल बॉलिंग कर रहे हैं और स्पिन बॉलिंग कर रहे हैं, वो कहाँ मार रहे हैं और कहाँ जा रही है, बहुत करीब का था, थोड़ा सा और आगे बढ़ी होती तो कैच हो जाते हैं, वहीं पर थोड़ा सा आगे आगे टप्पा खा गई इसलिए बच गए। और ये नहीं कि तेज़ी बनाए, उड़ा के मारो भैया, क्या खेल लो, ये देखो गेंद जो है अच्छा खासा मारने वाला आ रहा है, वहाँ पे ठुक 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 मार रहे हैं क्या, ऐसे तो अरे स्पिन हो रही है क्या गेंद में, ओहो क्यों देखो स्पिन को क्या है, जब मार ही नहीं पा रहे, वो देखो बच जा रहे स्टंपिंग में, इनको जीवन दान मिल गया, दो बच जा रहे हैं, बाप रे बाप, इतना बढ़िया गेंद को जो है, फिर अगली गेंद खेलने के लिए तैयार, देखो बच गए, फिर दो, अभी भी दो गेंद तीन गेंद खेल चुके हैं, एक भी रन नहीं बनाए हैं नीतीश आकर, पता नहीं 50-50 कैसे मारे होंगे, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे भैया उड़ाओ घस के बताओ, अब ओवर भी ख़त्म हो रहा है, 11 ओवर और रन रेट जो है बताओ 9 के करीब पहुँच गया होगा।
अब कोई जो है हीरो होंडा की कोई हीरो की गाड़ी का प्रचार आ रहा है जिसमें विराट कोहली है, विराट कोहली जो है आग के गोले से जो है सांप दिखा रहे हैं। अरे एसी का दिखा रही तुम, पहले हीरो का गाड़ी का था, अब एसी का दिखा रहे हैं क्या? मैं ब्लू स्टार एसी का, गजब। अब बहुत ज़बरदस्त इस बार फाइटिंग है, जो जीतेगा वही सेमीफाइनल फाइनल में खेलेगा 26 तारीख को कलकत्ते के साथ। बहुत ज़बरदस्त मैच पहुंच गया है, रोमांटिक है। अभी भी हैदराबाद कोई कमज़ोर नहीं है, फाइनल में भी जीत सकती है भैया हैदराबाद। उसे इसमें हमें लग रहा है जीत रही होगी तो जीत रही होगी, नहीं तो फाइनल तो अगर इस ओ बच गया, चार रन मिलेगा, चार रन नहीं मिलेगा, अभी फील्डर पहुंच गया, दो रन तो अवश्य मिल जाएगा। 11 ओवर कंप्लीट हो गए, 104 रन बना चुकी है 11.1 ओवर में। ओहो अभी नीतीश ने 3 गेंद फेले, अभी भी 1 रन भी नहीं बनाए, 14 गेंदों पे क्लासेन जो है 19 रन बना चुके हैं, 9.31 का रन रेट हो। ओ रन रेट कहाँ, जब हेड थे तो वहाँ पे 11.5 के 11.5 चल रहा था, अभी जो है घटते घटते जो है 9 पे करीब आ रहा है। अब देखें क्या करते हैं, क्लासेन जो है मार रहे हैं अब तो, ओ उड़ा के मारो भैया, क्या कर रहे हो, बहुत हो, 1 रन मिलेंगे, क्या करोगे, धीरे से खेल दे रहे हैं। 9.26 का रन रेट हो गया, धीरे धीरे 9 हो जाएगा। 22 बॉल पे पिछले बाउंड्री एक लगी है, इसके बाद पहले कोई बाउंड्री नहीं, यहाँ कैच हो गया, देखो आराम से कैच ले लिया, पुराना वाला दिखा रहे हैं कितने कैच लगे, 4 चेक कैच ही जाए, 2 कैच और तीसरा कैच, 3 कैच, चौथा कैच, चारों कैच ही हुए हैं, जितने विकेट गिरे सब कैच से गिरे हैं, कोई स्टम्पिंग नहीं, कहीं कुछ नहीं, सब हल्के फुल्के कैच से हो गए सब। 9.26 का रन रेट, 105 रन बन चुके हैं, 4 विकेट खो के 11.2 ओवर में। अब अगला खेल दिया है 1 रन के लिए, ओहो संदीप का बॉलिंग चल रही है, बहुत कसी कसी है भाई, अभी तक इन्होंने 2.3 ओवर में 17 रन दे के 1 विकेट ले चुके हैं संदीप ने। अब 3 गेंदों पर जो है 4 रन बना चुके हैं हैदराबाद, और भैया 106 रन का स्कोर हो गया है 11.3 ओवर में। ओहो गजब, आर जो है राजस्थान भी कभी इसके साथ मुकाबला हुआ था तो कितना, 327 रन बना चुकी थी क्या, समझना होगा बाद में देखेंगे, कुछ ऐसे ही कुछ दिखा रहा आंकड़ा। अब वो जो है 327 तक पहुंची है राजस्थान रॉयल, पिछले मैच काफ़ी पुराने दिखा रहे हैं, पता नहीं कब का है ये। अब क्लासेन का स्ट्राइक होगी, 20 रन पे क्लासेन खेल रहे हैं 15 गेंदों के साथ, अब एक्स्ट्रा दो एक्स्ट्रा मिली है इसमें। ओहो संदीप जो है 2.3 ओवर में 18 रन देके 1 विकेट ले चुके हैं संदीप शर्मा, और 127.3 सबसे स्लो खेलने वाले अब कौन है, संदीप शर्मा है। ओ अगली गेंद खेलने के लिए तैयार क्लासेन, अब देखते क्लासेन क्या करते हैं, मार दिया उड़ा के, अब देखो ये 4 नहीं, एक कोई रन नहीं बने भैया, वहीं पे पकड़ ली गई, इतनी तेज़ गेंद निकली कि सीधे विकेट फील्डर के पास तुरंत पहुँच गई। अब क्लासेन तेज खेल तो रहे, बाकी अब वो गेंद जो है 16 गेंदों पे 20 रन बने हैं भाई, वो गेंद जो है उठा के मारेंगे नहीं तो फिर जो है छक्का चौका जाएगा नहीं, और ये समझो कि बीच का है मामला। राजस्थान रॉयल जो है वो भी कमज़ोर नहीं है, हैदराबाद से कुछ भी कर सकते हैं भाई, उनके भी बैट्समैन ऐसे ही है जैसे इनके में है, कोई कम में नहीं है, कुछ भी हो सकता है भाई। दोनों टीम सेमीफाइनल में पहुँची है, बताओ और मार दिया नहीं, आउट हो जाते भैया, बहुत करीब का मामला था, लग गई बैट पे। ओहो 11.4 ओवर में 108 रन बना चुकी है, ओहो ओहो 1 विकेट मिल चुके हैं, क्या भैया संदीप जो है क्या कर रहे हो भैया, बॉलिंग बहुत बढ़िया है संदीप की। अब कोई देखो कैच दिखा रहा है हेड का, भड़ा भड़ कैसे कैच लिए मिले, चारों सब कैच ही मिले हैं इनको, बहुत गजब का। इस बार दबाव में दोनों हैं, कोई दिक्कत नहीं, 108 रन बन चुके हैं, हो सकता है ये देखो क्या खेल रहे हैं भैया, बैट आ ही नहीं रही है। ओ 11.5 ओवर में 12 हो गए, 108 रन बना चुके, 12 ओवर में 108 रन, बताइए 4 विकेट खो के, अभी भी इनके हाथ में 6 विकेट है और 12 ओवर मतलब 8 ओवर शेष बच्चे हैं, 8 ओवर में ये जो है 100 रन बना लेते हैं तो चलो 200 का आंकड़ा पार कर ले जाएंगे, नहीं तो फिर तो ये 80 जाएंगे। हाँ विकेट भी 6 है, खेले तो पहले ठीक से,
आउट होने में नाम लेते हैं तो धड़ाधड़ आउट ही होते चले जाते हैं, कोई वो नहीं। अब देखते हैं क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। उसे हैदराबाद तो भाई नंबर टू की जो है टीम है, और सब तो पीछे है हैदराबाद नंबर टू की, तभी तो दोबारा उससे भी फाइनल में मिल गई जगह। ओहो, अब देखते हैं यहाँ पे जीतते हैं कि नहीं जीतते हैं। जीत जाते हैं तो फिर सीधे 26 तारीख को कलकत्ता के साथ सेमीफाइनल खेलेंगे। हैं, अगली गेंद खेलने के लिए तैयार हो रहे हैं क्लासेन, और ये क्लासेन देखो क्या करते हैं क्या नहीं है। क्लासेन लग रहा है ये टेस्ट मैच खेल रहे हैं, हैं क्लासेन अभी 21 कभी कभी इतना टेस्ट मैच खेलते हैं कि 8.8 का रन रेट हो गया, बताओ। हैं, ये हमें लग रहा है 150 के करीब पहुँचाएंगे क्या भैया, 8 का रन रेट हो रहा है 8.8, क्या खेल रहे हैं भाई क्या। ए, ये क्या, ये तो वाइट नहीं है, तब भी जो है एकदम विकेट खोल के जो है मारने की कोशिश कर रहे थे। सनराइजर और हैदराबाद के लिए उपलब्ध है सीट स्टैटिक टाइम आउट। नीतीश कुमार इस वक्त जो है ये 5 गेंदों पे 1 रन, क्लासेन खेल रहे 19 गेंदों पे 21 रन और 8.76 का रन रेट है, 108 रन करीब बन चुके हैं। ये देखिए क्या रन नहीं बनेंगे, आराम से खुद ठोक 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 करते हुए 6 विकेट हाथ में रख के ऐसे ही करके बाहर हो जाएंगे और 10-20 रन बनाकर इसी तरह से अगर खेलेंगे तो क्या है, हैं राजस्थान रॉयल जो है आसानी से जीत जाएगी इस। तो अभी हैदराबाद क्या SRH बोलते हैं इसको, ओ उड़ा के खेल दिया, यहाँ 6 है, ओहो अब जो है 6 लगा, किसने मना, क्लासेन ने। ओहो अब जो है खुशहाली आई है भैया, 6 उड़ा दिया, 114 रन 21 गेंदों पे 114, अब 9 का रन रेट हुआ, बाप रे बाप, 9 चौके लगे हैं, 6 लग चुके हैं अभी तक के पूरे, ओ उड़ा दिया, गजब। अब तो समझ में आ रहा है कि अच्छा खेला है, इसी तरह बीच बीच में मारते रहो भैया, ऐसे रन रेट कम करते रहोगे तो फिर क्या हाँ जीत पाओगे भैया। बहुत बढ़िया शॉट उड़ा दिया, ओहो अब स्कोर हो गया 114 रन 12.4 ओवर में। ओहो अब 35 गेंदों पर अभी एक ही पे अटके हुए हैं, क्लासेन जो है 27 रन पे पहुंच गए हैं 21 गेंदों के साथ और 9 का रन रेट पूरा 9 का रन, और चहल बॉलिंग कर रहे हैं अभी तक के 2.4 ओवर में 20 रन दे चुके हैं। हाँ बहुत अच्छा, अगली गेंद खेलने के लिए तैयार, उड़ाने उन्हें मार दिया कस के, अब देखिए 1 रन मिलेंगे कि एक ही रन मिलेगा वहाँ फील्डर मौजूद। ओहो फिर रन रेट घट के 8 का करीब हो गया, 8.8 हो जाएगा, चलो 9 से थोड़ा छक्का मारते रहे चौका मारते रहे तो रन रेट थोड़ा बढ़ेगा, 8.96 का रन रेट हो गया, घट गए। अभी देखिए 3 डॉट लगातार दिए हैं, ये पहली गेंद पे रन नहीं बने, दूसरी भी नहीं, तीसरी भी नहीं, चौथी पर छक्का और पांचवी पे भी 1 रन मिले हैं, तो अभी तक के 7 रन 5 गेंदों में, कोई खास नहीं वो हैं। अभी तक चहल बॉलिंग कर रहे हैं 21 रन दिए 2.68 गेंदों पर, 18 अब 19 हैं पूरा, ओ अब 22 रन दे चुके हैं, क्या है भैया ऐसे खेलेंगे, गजब बहुत बढ़िया बैटिंग है। चलो अगर ये 6 विकेट बचा रहे 5 ओवर रह जाएंगे तो मारते मारे खूब मारे धड़ाधड़ मारते रहे, तब जाके 200 के करीब खेल दे तो बहुत बढ़िया हो जाएगी, जीतने के करीब हो जाएगा, उसे कोई वो नहीं है, आराम से खेले। अभी भी है ओवर तो है, बस 5 ओवर हो जाए तब विकेट को जो है रिस्क लेते रहे, हाँ रिस्क ले उड़ा उड़ा के खेले, तब 5 अभी 2 ओवर और ऐसे ही हैं 10-20 रन बना ले फिर उड़ाने शुरू कर दे, नहीं तो फिर आपके पास विकेट रहते हुए कुछ अब नहीं कर पाए तो फिर अगले को मौका ही नहीं मिलेगा, वो भी तो सोच रहे होंगे कि हम ही नहीं खेल पा रहे हो तो हम ही के दो चांस उन्हीं को दिया जाए। विराट कोहली इसका तो जो है अपने गाड़ी का कोई रेड कलर की गाड़ी है उसका प्रचार कर दे, बहुत कीमती गाड़ी दिखाई दे रही है LX से। ओहो कपिल देव भी आ गए हैं इसमें सेल्फी में, और पान कमला पसंद का ऐड दे रहे हैं, कमला पसंद भैया, कमला पसंद कोई भी है पसंद, इसको कोई नहीं पसंद करेगा भैया, वही लोग पसंद करेंगे जिसको जो कोई बीमारी होनी हो ना हो, और ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है, शायद जो है कभी है खाते खुद ही नहीं होंगे दूसरे के लिए बता रहे हैं। अब देखते हैं
और इस वक्त जो है धोनी भी आ रहे हैं एड में, जितने भी क्रिकेटर है अगर जमे हैं कहीं ना कहीं इनको एड मिल जाते हैं। और वो उड़ा दिया कस के, वहाँ पे चार रन आराम से मिले, नहीं मिलेंगे भाई, धीमे गति की हो गई गेंद, वो एक रन नहीं दो रन मिल जाएंगे जब, तो 16 पे रन हो गया भैया, 18 हो गया 13.1 ओवर में। नीतीश के बॉल, नीतीश कुमार ने मार दिया था 7 रन 7 गेंदों पे 4 रन। ओ धोनी दिखा रहा है बहुत पुराना वाला, क्या गजब है, लव यू धोनी। हाँ और उड़ा दिया ये पूरा, धोनी के दिखा रहे क्या क्या कमाल करते हैं धोनी, गजब गजब उड़ा उड़ा के मार रहे हैं इस वक्त। MS धोनी नाम है इनका, देख जबरदस्त इस वक्त जो है उड़ा दिया, बचे हैं हो 118 रन 4 विकेट खोकर 13.1 ओवर। नीतीश कुमार जो है 8 गेंदों पे 4 रन बनाए केवल, बस आउट हो गया। नहीं भाई आउट नहीं बिके, उसमें दिखाया है, दिखा रहा है भाई का एम्पायर ने जो है, आउट कहाँ से हो जाएगा भाई, अभी जो डिसीजन थर्ड एम्पायर के DRS लिया हुआ, थर्ड एम्पायर के पास पहुंचा हुआ है, अब जब देखते हैं क्या हुआ, रन आउट है क्या, रन हाँ देखते हैं रन आउट है क्या है, ये कैच आउट है। बहुत जबरदस्त, देखो लगी बैट पे है कि नहीं लगी, नहीं लगी है ना, नहीं आउट है, लगे ही नहीं गेंद। ओ देखा जा रहा है कि लगी है कि नहीं लगी है, और सनराइजर रिव्यू सनराइजर ने लिया है, वाइट वाइट नहीं दी गई, वाइट नहीं दी गई है, अब ड्रा हो गया, कोई विकेट नहीं, 118 कोई नहीं, ओहो बढ़िया, कोई आउट नहीं है, वो उड़ा दिया कसके। ये देखते हैं क्या होता है, 4 रन नहीं मिलेंगे, वहाँ पर फील्डर मौजूद, 1 रन मिलेगा, 13.3 ओवर में 119 रन बना चुके हैं 4 विकेट खोकर। और इसके बाद क्लासिन खेल रहे 28 रन 22 गेंदों पर के साथ, और 9 गेंदों पर खेल रहे नीतीश, 5 रन बनाए 9 गेंदों पर। और इन्होंने जो आवेश जो है बॉलिंग कर रहे हैं, 1.3 ओवर में 16 रन दिए हैं, मतलब कि 9 गेंदों पर 16 रन दे चुके हैं, और पहली दो गेंद अभी तक इन्होंने 3 गेंद अभी इस ओवर के 3 गेंद फेंके जिसमें जो है 2.1 लगाए, मतलब कि 3 रन दिए हैं तीन गेंदों में, अच्छा है ओवेस की कोई दिक्कत नहीं, विकेट भले नहीं मिले बाकी रन बहुत कम है। अगली गेंद खेल रहे, उड़ा दिया, क्या ये भैया ये क्या खेल रहे हैं, कहाँ गेंद खेल जा रही है, कहाँ खेल रहे हैं, वो हो ये तो भाई भाग के भरोसे खेल रहे हैं, इनकी गेंद ही नहीं समझ में आ रही कैसे मारना है कैसे नहीं मारना है। भैया विकेट बहुत, हमें नहीं लग रहा है कि जो है ऐसे जीत पाएंगे, अगर इस तरह से आँख पे देख के गेंद खेलो, बैट जो है लगी नहीं रही ठीक से नहीं लग रही तब भी जो है खेले जा रहे हो, क्या गजब का जो है वो है। अरे ज़बरदस्त मारो भैया, हैं मार दो उड़ा उड़ा के, 2-3 छक्के और मार दो बस, देखो दबाव में वो लोग आ जाते हैं कि नहीं, राजस्थान रॉयल वाले अब अगली गेंद खेलने के लिए तैयार, देखो ये क्या करते हैं, ये देखो ओ कैच आउट, कैच आउट, ओ 5वां विकेट गिर गया भैया, कौन आउट हो गया भैया, बहुत बुरा हाल, ये कौन से शॉट खेल दिए पीछे की तरफ से उड़ा दिए इन्होंने, वहाँ पे फील्डर मौजूद, 8.15वां विकेट गिर गया, 120 रन, ओहो नीतीश आउट हो गए 10 गेंदों पे 5 रन, ठीक है नीतीश जो है ये क्या, ये पीछे से तरफ से मार दिया ये, तो आउट हुआ कि नहीं हुआ, तो फिर कोई भी हो पीछे साइड से जो है बैट चलाया नहीं केवल घुमाया था बस, ओहो आउट, पूरे जोश में हो गए राजस्थान रॉयल वाले, ओ चारों तरफ खुशी की लहर है भाई राजस्थान के समर्थकों में, विकेट गिरते ही बॉलर को जो है विकेट मिल गया, वो पूरे फील्ड में जो है ज़बरदस्त वो कर रहे हैं, फील्ड में चारों तरफ से गा रहे मुझे विकेट मिल गया, खुशी की लहर, ओहो बड़ी मज़ा आ रहा है इस वक्त जो है मैचों में, इस वक्त मरो या मरो की स्थिति में है, फाइनल पहुंचेगी तभी जाके कुछ मज़ा आएगा, नहीं तो यही पे ख़त्म हो जाएंगे अगर ये सही से नहीं खेलेंगे। भैया हैदराबाद राजस्थान रॉयल दोनों सुन लो भैया, आपको ये इस तरह से खेलेंगे तो कलकत्ता के साथ थोड़ी लड़ पाएंगे, कलकत्ता तो इसके दूना है, उसको तो मुकाबले करने के लिए तुम्हें जी जान बहुत ज़बरदस्त खेलना होगा भैया, अब देखें 5वें विकेट पर कौन आता भैया मुकाबले में, राजस्थान रॉयल के मुकाबले में कौन आता है देखता हूँ, हैदराबाद तो उसे भी जो है सेकेंड नंबर की तो टीम है ही है, अब
सेकेंड नंबर की टीम मानी जाती है भैया। देखें राजस्थान रॉयल में अब कौन सा जो है, हैदराबाद खेल रही है ना, हैदराबाद बैटिंग कर रही है, राजस्थान ने विकेट ले लिया, राजस्थान हैदराबाद के देखते कौन आती है कौन नहीं आती है। इस बार राजस्थान रॉयल को विकेट मिल गया है, अब हैदराबाद देखते क्या करते हैं। क्या विकेट गिरते आती, ये छठा विकेट गिर गया क्या, छठा विकेट गिर गया, ओ बहुत बुरा हाल हो गया भैया, आते आओ जाओ का इस मामला हो गया। आते आते समझ जो है विकेट खो दिए भैया, ओ हो अभी पहले विकेट दो गेंदों पे विकेट गिरते चले जा रहे भैया, दो गेंदों पे दो विकेट, हैट्रिक ना मार दें अब तो भैया। ओहो राजस्थान हैदराबाद के बहुत मुश्किलें बढ़ रही हैं भैया, ये कौन से गेम खेल रहे हैं भैया, फटाफट विकेट पे विकेट विकेट पे विकेट गिर रहा है, दूसरा भी विकेट गिर गया ज़बरदस्त। ये देखो पहली गेंद पे भी विकेट और लास्ट में दूसरी भी गेंद पे भी विकेट, क्या बताएं यार अब्दुल समद बहुत बढ़िया।